डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको एक अपडेट देनी थी। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसमें खाली एक परमिशन बाकी है, जो कि BCASA है, जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन होता है। उससे जो है कल यानी बुधवार को मंजूरी मिल चुकी है, सारी क्लियरेंस हो चुकी हैं। अब जो है शिलान्यास जो है कभी भी हो सकता है इस हफ्ते या अगले हफ्ते में। देखना होगा कि अगर लॉकडाउन लग गया दोबारा से यूपी के अंदर में, नोएडा के अंदर में, तो जो है ये थोड़ा सा डिले हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जो कि ग्लोबली होंगे, तो सभी लोग जो है उसमें बिड करेंगे। उसके बाद में अगले एक दो महीने के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। और इसमें एक दूसरी खबर ये भी है कि जो सेकंड फेज़ है जो एयरपोर्ट का, उसके लिए जो है 7 गांव जो हैं उनकी ज़मीनें जो अधिग्रहण करनी है, तो उसमें जो है पैसे जो है वो दे दिए गए हैं। जो इसका बजट है अथॉरिटीज़ को, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पैसे भी जो हैं इसमें डाले जाएंगे और फिर जो है अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये तो थी अपडेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिगार्डिंग में। एक और अपडेट जो है आज जो है उसकी पुष्टि हो जाएगी, तो मैं कल वो आपको देने वाला हूँ, जो कि है ज़मीन जो कि प्राइवेट कंपनियों के रिगार्डिंग में है, वो जो है यहाँ पर उनको अलॉटमेंट कर दी गई है। तो उसके बाद में क्या होगा वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता जाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद।